It's such a joy once again to be in the house of God. And I believe you have come here by heart. No one has forced you. और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ आप अपने दिल के कहने से आए हैं, ना कि किसी ने आपको धक्का मार के यहाँ पहुँचा दिया। और आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं। और आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप खुदा की बातों के लिए भूखे हैं। और आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आप उसकी हुजूरी को बहुत मोहब्बत करते हैं। और आप इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि आप उनके कलाम को बहुत प्यार करते हैं। और आप यहाँ पर हैं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सकें। And I believe you are here because you love to fellowship with the people of God. और यहाँ पर आप हैं ताकि आप खुदा के लोगों के साथ एक fellowship कर सकें। Today is such a joy and honor for me. और ये मेरे लिए आज बड़ी ही honor की बात है। To be here for the ordination service of Dr. Boaz Paul. और Dr. Boaz की आज ordination service में मैं यहाँ पर हूँ। And I was supposed to leave last Tuesday. मैं पिछले Tuesday को जा रहा था वापस। But Pastor Zafar came to me. He asked me if you can, if you are here. और पास्टर जफर ने मुझे पूछा क्या आप अगले संडे यहाँ पर होंगे? So I felt in my heart maybe I have to change my ticket and stay here for next Sunday to be a part of this great what God, thing that God is doing in this house. और मुझे लगा कि मुझे अपनी टिकट एक्सटेंड करा लेनी चाहिए और यहाँ पर रुकना चाहिए और उस बात में हिस्सा डालना चाहिए जो खुदा इन दिनों में कर रहे हैं। Ordination is a ceremony that officially consecrates and approves a person for the work of ministry. और ordination एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम एक व्यक्ति को मसा करते हैं ताकि वो खुदा के काम के लिए अलग करें you know, किया जाए। We have ordained that we not masa, we have नियुक्त करते हैं। इन उर्दू वर्ड आई हैव लिख मुन तैनात करते हैं। तैनात करते हैं, मखसूस करते हैं। Let me say, there is a difference between word ordination and anointed. और मुझे बताने दे जब हम मखसूस करते हैं मखसूस is anointing means मखसूस और मसा। और मसा करते हैं, इन दोनों में फर्क है। Anointing means मसा और मखसूस। मसा मखसूस is ordination. Okay. So let me tell you, there is a difference between anointing and being ordained. और मक्सूस करने में और मसा करने में फर्क है। You know, Paul said in his every letter that Paul, an apostle of Jesus Christ, not by man, not by the will of man, but by the will of Lord Jesus Christ. याद रखिए, पौलुस प्रेरित ने अपने खतों में लिखा है, पौलुस जो खुदा का सेवक है, अपॉइंट किया गया खुदा की ओर से और खुदा ने उसे तैनात किया है। Let me tell you, the call of God is from heaven. याद रखिए, खुदा जब हमें बुलाते हैं ये बुलाहट स्वर्ग से है। No man can call anyone. और कोई भी इंसान किसी को नहीं बुलाता। It's God who decide whom he is going to use for the work of ministry. और खुदा ये तय करते हैं कि वो किसको चुनेंगे ताकि जो उनका काम कर सके। You know, if I ask you people, can you all preach? क्या मैं आपसे पूछूं क्या आप सब प्रचार कर Maybe सकते हैं? More than half will say, yes, I know also how to preach. और बहुत लोगों का हाथ खड़ा होगा, वो कहेंगे हाँ हम जानते हैं कैसे प्रचार I करना also है। know how to cast out demons. मुझे भी पता है कैसे डीमंस को बाहर निकालना है। I also know how to heal the sick. और मुझे लोगों को चंगा करने के लिए भी पता है। But that doesn't mean that you are called into a fivefold ministry office. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पांच तरीके की सेवकाई के उस मिनिस्टर ऑफिस में आप बुलाए गए हैं। Everyone can be anointed of God. और किसी को भी खुदा मसा कर सकते हैं। That's his heart desire that everyone will have God's anointing upon their life. और ये उनकी दिल की चाहत है कि हर एक उनका बच्चा उस मसे में चलने पाए। But only few are chosen for a work of ministry, for a office of ministry. लेकिन कुछ ही लोगों को खुदा ने उस सेवकाई के ऑफिस के लिए चुना है। You know, I see that many people they have no idea about it. और बहुत से लोगों को मैंने देखा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। The disciples, the apostles of Jesus were with Jesus Christ Bible school for 3.5 years. और हम देखते हैं यीशु मसीह के शागिर्द उनके साथ 3.5 साल के उनके स्कूल में थे। You know, they were studying in Jesus Christ Bible school. और वो यीशु मसीह के बाइबल स्कूल में 3.5 साल तक टीचिंग ले रहे हैं। In today's Bible schools, they only teach the word of God. और हम देखते हैं आज जो बाइबल स्कूल हैं उसमें खुदा के कलाम के बारे में बताया जाता है। But in the Jesus Christ Bible school, they were learning how to prophesy. लेकिन यीशु मसीह के बाइबल स्कूल में वो सीख रहे थे कैसे नबूवत करनी है, how to heal the sick, कैसे चंगाइयां करनी है, how to cast out demons, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालना है।
बाइबल स्कूल्स। और बड़े दुख की बात है कि आज बहुत से बाइबल स्कूल में इन चीजों को नहीं सिखाया जाता और ये मिसिंग है। That's why we don't see the power of God being ministered through the people of God। इसीलिए हम देखते हैं खुदा के लोगों से वो खुदा की ताकत और पावर रिलीज नहीं होती। Even in the days of Jesus there were some Bible schools। और उस टाइम में भी कुछ बाइबल स्कूल थे यीशु मसीह के टाइम में। But that Jesus was not their teacher। लेकिन वहां पे यीशु मसीह पढ़ाते नहीं थे। There were rabbis and other people who were teaching other people the word of God। लेकिन वहां पे रब्बी थे जो अलग टीचर्स थे जो इन बातों को सिखाते थे। They learned Old Testament Torah, they were learning all that। और वो तोहरा और पुराने अहद की किताबों को पढ़ते थे। They were learning biblical history। और वो बाइबल से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ते थे। But to my amazement I saw that Jesus never went to any Bible school। लेकिन मैं सच में इस बात से हैरान होता हूँ यीशु मसीह उन किसी भी स्कूल में नहीं गए। He never said, okay, you have 50 students, send them for the work of ministry। और उन्होंने ये नहीं कहा, अच्छा तुम्हारे पास 50 बच्चे हैं, मेरे पास भेज दो ताकि सेवा के लिए भेजें। 100 students are getting graduated, what an opportunity, send them for the work of ministry। और यीशु ने उन स्कूलों में जाके ये नहीं कहा 100 बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया उनको मेरे पास भेजो और उनको सेवा में डाल दें। You know, he went and called the fisherman। वो जाके मछली पकड़ने वाले को बुलाते हैं। He went and called the doctor, the tax collector and all those people। और वो एक हकीम को और फिर टैक्स कलेक्टर को बुलाते हैं। You know, and he can call Bible school students also। वो उस समय के बाइबल स्कूल कॉलेज में भी जा सकते थे। You know, he can call them today also। और वो there is nothing wrong in that। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो आज भी बुला सकते हैं। But the reason I am telling you this is you have to understand this is a call from heaven। लेकिन मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ, आप ये बात समझे, ये खुदा की ओर से बुलाहट है। You know, if we person tries to do it by himself। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी ताकत से ये करना चाहता है। Remember that person can cast out demons too। याद रखे वो जो दुष्ट आत्माएं हैं डीमन स्पिरिट को निकाल लेगा। That person can preach the word too। और वो खुदा के कलाम को प्रीच भी करेगा। But because he is not called into that office। क्योंकि उसको उस ऑफिस के लिए नहीं बुलाया गया है। There is no grace of God for him to stay and stand strong in the midst of adversary। लेकिन उसके पास वो ग्रेस, वो फजल नहीं होगा कि जब चैलेंजेस आए, एडवर्सरी आए, वो वहां पर अपनी पोजीशन में रुका रहे। There will be no love in their heart for them to love people who have broken their heart। और अंदर दिल में कोई लोगों के लिए मोहब्बत नहीं होगी। You know, because they have not received the shepherd heart of Jesus Christ। क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु से वो चरवाहे, वो शेपर्ड का दिल नहीं पाया। You know, anointing is very important in every believer's life। हर एक विश्वासी की जिंदगी में मसीहा बहुत जरूरी है। It's okay to learn the word of God, it's very important, it's a foundation। और खुदा का कलाम पढ़ना जरूरी है, ये हमारी फाउंडेशन है, ये जड़ है। But we also need the anointing of Holy Spirit। लेकिन हमें पाक रूह के मसा की भी जरूरत है। Many people are not passionate for God nowadays, I've seen many places। और मैं बहुत जगह में देखता हूँ लोगों के अंदर खुदा के लिए वो जज्बा नहीं है। Yeah, India I see some passion, maybe Pakistani also passion, but some other places I've gone, people are just there for religion। और हम देखते हैं भारत में या पाकिस्तान के कई इलाकों में, लेकिन अगर हम कई और दुनिया के देशों में देखें, लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं है। They have no longing for the things of God। और ना ही वो खुदा की बातों के लिए कोई चाहत रखते हैं। Because for that we need Holy Spirit। क्योंकि इस चीज के लिए हमें खुदा के रूह की जरूरत है। After Jesus Christ apostles they his disciples studied at his Bible college for Bible school for 3.5 years। जो यीशु के शागिर्द थे, जो apostles थे, उन्होंने 3.5 साल तक यीशु मसीह के Bible college में पाठ पढ़ा। They learned the revelatory word of God। उन्होंने खुदा के मुकाशवा वाले वचन को पढ़ा। They learned how to cast out demons, how to heal the sick। उन्होंने पढ़ा कैसे दुष्ट आत्माएं निकालनी है, कैसे चंगाई करनी है। After all that, सब बातों के बाद Jesus asked them to tarry in Jerusalem। लेकिन यीशु ने उन्हें कहा कि यरूशलेम में इंतजार करना। So that you know you can receive power on from high। ताकि तुम्हें ऊपर से ताकत मिल पाए। And then you go out। और फिर तुम बाहर जाना। They were commanded to go out। उनको कहा गया था तुमने जाना है। But Jesus said don't go out without that power। लेकिन कहते हैं उस ऊपर से जो ताकत है उसके बगैर मत जाना। Many Christians today we see they are so powerless। और बहुत से आज मसीही लोगों में कोई ताकत नहीं है। They don't wait in the presence of God to receive from him। और ना ही वो खुदा की हुजूरी में रुकते हैं ताकि वो ताकत को पा सके। You know, Bible says wait upon the Lord and renew your strength। कलाम कहता है खुदा की हुजूरी में टाइम बिताओ, वेट करो और वहां से ताकत को पाओ। In our mind we know the word। हमारे दिमाग में कलाम है। But in our spirit not only do we need the word of God but we need the power of God। लेकिन हमारे स्पिरिट में सिर्फ हमें खुदा का कलाम ही नहीं चाहिए लेकिन पाक रूह की ताकत चाहिए। And in Acts chapter 2 we see the power of God came upon the apostles। और Acts chapter 2 में हम देखते हैं कैसे apostles के ऊपर वो power, वो ताकत उतरी। There were nearly 120 people। और वहां पर करीब 120 लोग थे।
during when he was being lifted up, there were 500 people. और जब हम देखते हैं उनको ऊपर उठाया गया, करीब 500 लोग उस जगह मौजूद थे. But not everyone wanted to wait in the presence of God. लेकिन 500 में से बहुत कम थे जो वहाँ पर इंतजार करना चाहते थे. Because we have other things to do. लेकिन लोगों ने कहा हमें बाकी काम भी है. Oh, it's okay. We're not Jesus. That's fine. We don't want to go to another level. अरे हमें अलग लेवल में नहीं जाना है. हम जीसस नहीं है. ठीक है, ऐसे ही चलेगा. No. People are just happy by knowing Jesus. They don't want to go forward, the deeper into the things of God. वो यीशु को जान जाए इतना ही उनके लिए काफी था. वो गहरी चीजों को नहीं जानना चाहते थे. Bible says deep calls unto the deep. कलाम कहता है गहराई गहराई को बुलाती है. God is calling every believer deeper in these last days. और खुदा अपने हर लोगों को इन दिनों में गहराई में बुलाते हैं. This is the time to give our best time to God. और हमारे लिए जरूरी है ये टाइम हम अपना बेस्ट खुदा को दें. Because remember there is devil out there trying to destroy people's life. याद रखें इस दुनिया में शैतान है जो लोगों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है. We are living in the last days. हम इन आखिरी दिनों में रहते हैं. Never forget it. ये भूले मत. Things are very bad out there. और दुनिया में बहुत बुराई आ रही है. But God is there by your side and he's saying receive from me, drink from me so that you will not go for anything else. और खुदा कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे खाओ मुझसे पियो और जाकर मेरे नाम के लिए आगे बढ़ो. So God wants to anoint every believer. और खुदा हर एक बिलीवर को anoint करना चाहते हैं. That was the heart of Moses. I wish all God's people were prophets. और ये मूसा की दिली इच्छा थी कि सारे लोग नबूवत करने चाहिए. Baptism of Holy Spirit is for every believer. और जो आत्मा का जो बपतिस्मा है वो सबके लिए है. It's not only for few chosen ones. ये सिर्फ कुछ चुने हुओं के लिए नहीं है. God wants to make all his children powerful children. और खुदा चाहते हैं उनका हर एक बच्चा ताकतवर हो जाए. Amen. Amen. He wants you to be powerful. और वो चाहते हैं ताकत में चले. And he wants to anoint you. और वो आपका मसा करना चाहते हैं. Because you know there are certain things you cannot do without the anointing of Holy Spirit. उनको पता है कुछ चीजें ऐसी हैं आप खुदा के मसा के बगैर नहीं कर सकते. Jesus is the word of God. यीशु खुदा का कलाम है. Isn't he? क्या वो नहीं है? But even he waited for Holy Spirit. लेकिन उन्होंने भी पाखरू का इंतजार किया. His ministry started when he was 30 years old when the Holy Spirit came upon him. और उनकी भी सेवकाई सर्विस शुरू हुई जब वो 30 साल के हुए उसके बाद उनका उनके ऊपर पाखरू उतरा. Jesus was also waiting for the anointing. यीशु भी उस मसा के लिए पाखरू के इंतजार कर रहे हैं. And then he started his ministry. और फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत करी. There are certain things you can only do if you have the anointing of Holy Spirit. कुछ चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपके ऊपर पाखरू का अनॉइंटिंग है. Even people who worship in the house of God must be anointed. और जो लोग खुदा के घर में परस्तिश करते हैं वो भी अनॉइंटेड होने चाहिए. God is not looking for good singers. खुदा अच्छे गाने वालों को नहीं ढूंढ रहे. He is looking for anointed people. वो अनॉइंटेड लोगों को ढूंढते हैं. Because only they know how to connect with heaven. क्योंकि सिर्फ उन्हें को पता है कैसे स्वर्ग से जुड़ना है. Because only they know how to bring heaven down on this earth. और वो ही जानते हैं कैसे स्वर्ग को हेवन को नीचे लेकर आना है. God will not accept anything that is not anointed. और कोई भी चीज जो अनॉइंटेड नहीं है खुदा उसे एक्सेप्ट नहीं करते. Even in the Old Testament the temple that Solomon built, every utensils, everything was anointed. और सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसमें हर एक चीज यहाँ तक कि बर्तन भी वो भी मसा किए हुए थे. Even Moses built the tabernacle, everything was anointed. और मूसा ने वो टैबरनेकल बनाया वहां पर भी हर एक चीज अनॉइंटेड थी. हर एक प्रीस्ट अनॉइंटेड था. Every king was anointed. हर एक बादशाह अनॉइंटेड था. So anointing is a must for every believer's life. मसा हर एक के लिए जरूरी है. Amen. Amen. Because holy we have to connect with the spirit of God to do things for God. क्योंकि हमें खुदा के रूह के साथ जुड़ना है ताकि हम खुदा की चीजों को कर पाएं. Even in the book of Acts, even the people who were serving food were anointed. हम देखते हैं एक्ट्स की किताब में जो लोग खाना बांटते थे वो तक anointed थे. It was not a voluntary call. और ये सिर्फ एक ऐसी बुलाहट नहीं थी आ जाओ सब. You know, it was not okay if any of you have time please come and serve food in the house of God. और ये ऐसे नहीं था कि हाँ जिसके पास टाइम है आ जाए खुदा के घर में आके सेवा करें. No, they prayed and they were looking for anointed people who had the spirit of God upon their lives. उन्होंने दुआ करी और वो ढूंढ रहे थे किसके ऊपर खुदा का रूह है, कौन anointed है, उसको चुनेंगे. Today God wants to anoint each and every one of you. आज खुदा हर एक को मसा करना चाहते हैं. Yeah, for Dr. Boaz, it's a day of ordination and anointing, but for each and every one of you there is anointing of Holy Spirit available in this place. Dr. Boaz की आज ordination और उनके मसा किए जाने का दिन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर एक को खुदा वो मसा दे.
देना चाहते हैं. Because any anointing will bring a difference in our life. क्योंकि जो मसा है वो हमारी जिंदगी में एक बदलाव लाएगा. According to the Bible, the anointing will turn you into a different person. खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग मसा आपको एक अलग इंसान में बदल देता That's है. That's what happened in 1 Samuel chapter 10 and verse 6 and 7. और हम देखते हैं 1 Samuel chapter 10 verse 6 और 7 में. Then the spirit of the Lord will rush upon you and you will prophesy with them and be turned into another man. And now when these signs meet you, do whatever your hands find to do, for God is with you. और यहाँ लिखा है शैमुएल पहला शैमुएल 10 के 6-7 में, और खुदा का रूह तुझ पे बल जोर से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू बदल कर और ही इंसान हो जाएगा और ये निशानियां तुझे देखने को पड़ेंगी. जब जो काम तुझे करने को मिले तू करेगा, परमेश्वर तेरे साथ है. Amen. You will do it because God is with you. आप वो इसलिए करेंगे क्योंकि खुदा आपके साथ है. You know, when your person is anointed, that means he is empowered by God to do things of God. और जब खुदा किसी को मसा करते हैं, इसका मतलब है खुदा ने उसको वो ताकत देती है ताकि जिस काम के लिए उसे बुलाया है वो उसको कर सके. That means God is standing by that person, standing with that person. That means God is standing with that person. और इसका मतलब है कि खुदा उस इंसान के साथ खड़ा है. Amen. Amen. You know, God comes by your side and He helps you to do whatever He has called you to do. और वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं आके और आपसे वो करवाते हैं जो उन्होंने बुलाया और आपको ताकत देते हैं. Without anointing, it was not possible. और खुदा के मसा के बगैर बिना ये पॉसिबल नहीं है. So that's what happened in the life of Saul. और ये ही शाऊल की जिंदगी में हुआ. The spirit of God came upon him. जैसे ही खुदा का रूह उस पे उतरा, he also started prophesying. और वो नबूवत करने लगता है. And he was told, now after that, whatever your hand finds to do, do it with all your might. और वो कहता है, जो कुछ इसके बाद तुझे तेरा हाथ तुझे करने को कहे या तेरा हाथ जिस पे लगे तू उसे करना. Dr. Boaz, that is what God is asking you today. और Dr. Boaz, आज खुदा आपको ये करने के लिए कह रहे हैं. Things God will bring in your life, opportunities He'll bring in your life, and He'll say, do it with all your might. और खुदा आपके लिए opportunities को लेके आएंगे, काम को लेकर आएंगे, और वो कह रहे हैं अपनी पूरी ताकत से उसे करना. Because He's saying, I am with you. और वो कहते हैं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. There will be days of light, and there will be days you will have no idea why this is happening. But remember one thing, even in the that darkness, God is with you. और कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन याद रखना खुदा आपके साथ है और वो आपकी मदद करेंगे. Bible says he who has called you is faithful and he will bring the work to completion. और कलाम कहता है जिसने हमें बुलाया है वो वफादार है और वो उसको पूरा करेगा जो उसने हमें करने के लिए कहा. There are certain doors that can only be open when someone is anointed. और कुछ जो दरवाजे हैं वो तभी खुलते हैं जब एक इंसान मसा किया हुआ है. You know, we see Samson was anointed. हम देखते हैं शिमशोन अनॉइंटेड था. He was chosen by God even before he was born. और अपने पैदा होने से पहले खुदा ने उसे चुना. And we see that how, you know, he caught 300 foxes. और उसने कैसे 300 लोमड़ियों को पकड़ा. Killed 1000 Philistines. उसने 1000 फिलिस्तीनियों को मारा. Broke the chains. और उसने चेनों को तोड़ दिया. Teared the lion. और उसने शेरों को फाड़ दिया. He was not a bodybuilder. वो एक बॉडी बिल्डर इंसान नहीं था. He was not a Goliath. और ना ही वो गोलायत था. History says he was an ordinary looking man. और इतिहास कहता है वो एक बड़ा साधारण इंसान दिखने वाला था. But only because of anointing he was able to do what God wanted him to do. लेकिन उसके ऊपर जो मसा था उसके कारण वो कर पाया जो कर उसने किया. Even because of that anointed he will break the gates, break the doors. और उस मसा के कारण ही उसने दरवाजों को भी तोड़ दिया. Even if enemy tries to shut a door for you. अगर दुश्मन आपके लिए दरवाजे बंद करता है. If Satan tries to close some door for you. और अगर शैतान आपके लिए दरवाजे बंद करता है. Remember, because of that anointing, doors will be always open. और याद रखिए उस मसा के कारण आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे. Amen. Amen. Because you are anointed. क्योंकि आप मसा किए हुए हो. You will tear those doors apart. आप उन दरवाजों को उखाड़ के फेंक दोगे. Amen. Amen. Because you are anointed. क्योंकि आप मसा किए हुए हो. Anointing will do. और ये मसा आपकी जिंदगी में क्या करेगा? The anointing will make the word of God to burn in our hearts. और ये anointing आपके दिल के अंदर खुदा के कलाम की आग लगाएगा. You know, when someone is anointed, याद रखिए जब एक के ऊपर अभिषेक है, when that person will speak, और जब वो इंसान कुछ बोलता है, will ignite some fire in people's heart. और जब वो कुछ बोलता है लोगों के दिल में वो आग जलने लगती It's है. It's not just a head information. ये सिर्फ दिमागी ही जानकारी नहीं है. Something burns. अंदर दिल में कुछ
कुछ जल रहा है. That's what happened to the disciples of Jesus Christ. और यही यीशु के शागिर्दों के साथ हुआ. When he was raised from the dead, जब वो मुर्दों में से जिंदा हो he गए. He was talking with his disciples. और वो अपने शागिर्दों से बात करते so, हैं. You know, for some time they were not able to recognize कुछ him. टाइम के लिए उन्होंने यीशु को पहचाना तक नहीं. But later on Jesus revealed himself. और लेकिन कुछ टाइम के बाद यीशु ने अपने आप को जाहिर and किया. Then he was gone. और फिर वो चले जाते हैं. और वो कहते हैं इसीलिए हमें अब पता चला है क्यों हमारे दिल में आग जल रही थी. Amen. Anointing will burn the fire of God in your hearts. और ये मसा आपके दिल में खुदा की चीजों के लिए आग भरेगा. When you are anointed, when you share gospel with others, they'll be touched by the power of Holy Spirit. और अगर आप anointed हैं और अगर आप किसी के साथ यीशु के बारे में बताते हैं, वो इंसान खुदा के पाखरू से टच होगा. Information I have seen will not touch but change people. सिर्फ जानकारी अगर हम देते जाएंगे लोगों की जिंदगियां तब्दील नहीं होती. You know, information is good, but that doesn't change people. That needs the anointing to break the yoke. और इंफॉर्मेशन अच्छी है लेकिन वो इंसान को नहीं बदलती क्योंकि मसा है जो योग को शैतान के तोड़ता है. Isaiah chapter 10 verse 27, क्योंकि यशाया उसके chapter 10 verse 27 में लिखा है. It says and it shall come to pass in that day that this burden shall be taken away from off thy shoulders and his yoke from off thy neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing. और यहाँ लिखा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन में से उठा लिया जाएगा और अभिषेक मसा के कारण वे जुआ तोड़ डाला जाएगा. Amen. Amen. Anointing breaks the yoke from the lives of people. और जुआ लोगों अभिषेक लोगों की जिंदगियों में से जुए को तोड़ता Only है. Only information will not help. सिर्फ जानकारी मदद नहीं करती. Anointing is must so that the yoke can be broken. मसा जरूरी है ताकि जुआ तोड़ा जा सके. Because people are living under the yoke of slavery. क्योंकि लोग आज खुद लोग आज slavery आज गुलामी के जुए के अंदर हैं. You know they are stuck in one place. They cannot move forward. वो एक जगह पे आके रुक गए हैं. वो आगे नहीं बढ़ पा रहे. You know one of the deception of enemies. I have seen some people say, I know everything. I'm a good Christian. It's fine. और ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है जब कई मसीही लोग कहते हैं हमें सारी जानकारी है मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक ठाक. Worldly things they want to learn everything. दुनियावी चीजों की बात करें वो दुनिया की हर चीज सीखना चाहते हैं. They want the graduation. They want to score good marks in the school. They want to learn everything of the world. और वो अच्छी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं ऊंचे रुतबे पे जाना चाहते हैं अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दुनियावी तौर से. But when it comes to the things of God they close their heart. They said, oh, it's fine. We are good Christians. We are not hurting anyone. और वो जब खुदा की बात आती है वो कहते नहीं नहीं इतना ही बस काफी हम किसी को दुख थोड़ा पहुंचा रहे बस इतना ही ठीक है. These people have no life of God inside them. और ऐसे लोगों के अंदर खुदा की वो जिंदगी नहीं होती. Because if there is life of God inside a person that will always take that person towards Jesus Christ. क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर खुदा की जिंदगी है वो जिंदगी हमेशा उस इंसान को खुदा की ओर ले जाएगी. That person will be hungry for worship, hungry for the word, hungry for the things of God. और वो खुदा की परस्तिश के लिए उनके कलाम के लिए उनकी चीजों के लिए हमेशा भूखा रहेगा. You know when we were not in pastoral ministry or any other ministry. जब हम पासवानी की सेवकाई में हम दोनों नहीं थे. But we were serving in the local church. और हम अपनी लोकल कलीसिया में सर्व करते थे. In those You know, we were in that church for a total 6 years. और हम एक कलीसिया में करीब 6 साल तक रहे. In that 6 years, only once we were late. और 6 सालों में हम एक ही बार उस कलीसिया में देरी से पहुंचे. Never missed Sunday service. हमने कभी भी संडे सर्विस मिस नहीं किया. Only one time we were late. और एक ही संडे ऐसा था जब हम लेट हो गए. We were late for 5 minutes. और हम सिर्फ 5 मिनट लेट थे. I felt so bad. मुझे बड़ा दुख लगा. I said, Lord, please forgive me. मैंने कहा खुदा मुझे माफ कर दो. You know, we had 2 children. हमारे 2 बच्चे हैं. And also my mother. और सास भी हैं. You know, my wife had to get ready everyone and even help my mother. और माँ को भी तैयार करना है दोनों बच्चों को भी तैयार करना है. And then all the things and the church started 9 o'clock. और अब चर्च सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है. But we were always there 5 or 10 minutes early. लेकिन हम 5 या 10 मिनट पहले ही पहुँचते थे. Only once we were late by 5 minutes. सिर्फ एक बार हम 5 मिनट से लेट हुए. It's not that we had nothing to do. इसका मतलब ये नहीं है कि हम free हैं हमें कुछ नहीं करना. But we had decided in our heart that we are going to honor God. लेकिन हमने अपने दिल में ये सोचा था कि हम खुदा को honor देंगे. We will not even miss one worship song. We will give our best to God today. हम एक भी परस्तिश का जो टाइम है गीत है उसको नहीं छोड़ेंगे. हम
बेस्ट खुदा को देंगे। We were not going there to be a spectators to listen to some nice songs। और हम सिर्फ वहाँ इसलिए नहीं जा रहे कि जाके अच्छे कोई हम गाने या गीत सुनेंगे। We went there to worship together with the worshiping team and give our praises to God। हम इसलिए वहाँ पर थे ताकि हम worship team के साथ जुड़ के खुदा की परस्तिश करें और उनको प्रेज करें। Many people are under yoke। बहुत से लोग आज उस जुए के नीचे हैं। They are not able to connect with God। और ना ही वो खुदा से कनेक्ट हो पाते हैं। There is no hunger for God। ना ही खुदा के लिए कोई भूख है। To come to the house of God, someone has to pull them or they have to push themselves। और खुदा के घर आने के लिए उनको या तो खींच के लाना पड़ता है, धक्का दे के लाना पड़ता है। Or they are pushing themselves to the house of God। और वो खुद भी अपने आप को धक्केशाही लेकर आते हैं। I don't want to be there, but you know I am told I should be there, so better be there। और वहाँ पे कोई नहीं है, मुझे कहा गया है, आ जाना, चलो अब चलते हैं। Today there is a special ceremony of Dr. Boss. At least let me be there today। और आज एक special service है Dr. Boss की ordination, चलो आज हो ही आते हैं। You know some people, you know, because it's a yoke, it's a slavery। और याद रखिए ये गुलामी है शैतान की। Because the enemy doesn't want us to have fellowship with God। क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम खुदा के साथ fellowship करें। You know in some churches I've seen that especially in when we come to American Asian churches, we see people do the barkat ka kalma. और हम देखते हैं कि कई Asian churches में जब हम इन देशों में आते हैं, बरकत का कलमा जो हम करते हैं आखिर में. And they pray Lord's prayer. और फिर उससे पहले वो Lord's prayer करते हैं. But normally it's not done in India. I only see when I travel. और ये हम अपने देश में मैंने नहीं देखा, सिर्फ जब मैं travel करता हूँ तब देखा है. You know, and people we say that love of the Father, grace of Lord Jesus Christ, and the fellowship of Holy Spirit. और वो कहते हैं खुदा बाप मोहब्बत मसीह यीशु का फजल और पाक रूह की रफाकत और शराकत सबके बीइंग विद यू वी लर्निंग उर्दू कोशिश कर रहे हैं माफ करना गलती हो जाए तो सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट और हम बात कर रहे हैं पाक रूह के साथ फेलोशिप के बारे में पीपल से आमेन टू इट बट दैट डजंट मीन दे मीन दैट और लोग ये करके आमेन कह देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलोशिप में है पीपल हैव नो फेलोशिप विद होली स्पिरिट और ना ही लोगों का पाक रूह के साथ कोई फेलोशिप है फेलोशिप टाइम टू फेलोशिप विद द वर्ल्ड बट नो फेलोशिप विद द होली स्पिरिट उनके पास पूरा टाइम है दुनिया में हर एक के साथ फेलोशिप करने के लेकिन खुदा के रूह के साथ फेलोशिप करने का टाइम नहीं है। Many times we do things just out of a religious way. It's not coming from our heart. और बहुत सी चीजें हम सिर्फ एक रिलीजियस तौर पे करते हैं वो हमारे दिल से नहीं आती। We pray Lord's prayer but it's not coming out from our heart. हम Lord's prayer भी कर रहे हैं लेकिन वो दिल से नहीं आ रही। It's just become a ritual that we have to do in the end. और ये एक सिर्फ एक रिलीजन और रिचुअल बन जाता है हमें ये करना है। Because I, you know, people do it but it's not coming from their heart. They don't know what they are praying. और लोगों को पता ही नहीं है वो क्या दुआ कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। They don't mean what they are praying. और जो वो कह रहे हैं उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। They don't understand what it means your kingdom come. और इसका कोई समझ नहीं आ रही है खुदा की बादशाहत आए इसका क्या मतलब है? They're not living for the kingdom. और ना ही वो बादशाहत के लिए जी रहे हैं। It's a yoke. क्योंकि एक जुआ है। And God wants to destroy that yoke from our families, और खुदा चाहते हैं हमारी जिंदगियों से वो योग टूटे। Amen. Amen. So that we can fellowship with Holy Spirit. ताकि हम पाक रूह के साथ वो फेलोशिप कर पाएं। Enemy tries to bring slavery. और शैतान हमारी जिंदगी में गुलामी लाता है। So that we will not be able to live our life in the Spirit. ताकि हम खुदा के रूह में अपनी जिंदगी ना जी सके। Remember, Christian life is a life in the Spirit, not in the flesh. याद रखें मसीही जिंदगी पाक रूह की हिदायत में चलती है ना कि शरीर में हम जीते हैं। People are living in the flesh and trying to please God in the flesh. I want to tell you, no one can please God in the flesh. और लोग जिस्मानी में जिस्म में रहते हैं जिस्मानी तौर तरीके से खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं खुदा ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। Circumcision or no circumcision, white clothes or whatever color clothes, you cannot please God in the flesh. चाहे खतना किया हुआ है चाहे खतना नहीं किया हुआ चाहे सफेद कपड़े पहने कोई कपड़े पहने अगर कुछ भी आत्मा में नहीं है हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। Short hair, long hair, head covering, no head covering, I want to tell you, no one can please God in the flesh. और चाहे बाल छोटे हैं हमारे बाल लंबे हैं हमारा सर कवर है नहीं है इन चीजों से हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। God will only receive from you what comes from the Spirit of God. और खुदा सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा जो आपकी रूह से निकल Even रहा है। When God called David, याद रखिए जब खुदा ने दाऊद को बुलाया He sent Samuel one day, उन्होंने शमूएल को भेजा
उठे जाओ। He said, go and anoint the son of Jesse. और उन्होंने कहा जाकर यीशे के बेटे को अनॉइंट कर। He saw the first son. और सैमुअल ने पहला बेटा देखा। He was tall, strong. He was in the army of King Saul. वो एक लंबा चौड़ा जवान था, शाउल की आर्मी में कमांडर था। He said, oh yeah, this looks like a king. और उसने कहा अच्छा ये एक बादशाह जैसा दिखाई देता है। This guy has some good experience, I am sure. और इस बंदे के पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है लड़ाई का। He knows how to fight wars. और इसको पता है लड़ाइयां कैसे लड़ी जाए। Nah, I can see his shoulders, his height, his everything. Oh yeah, he's standing like an army warrior. और ये एक आर्मी वॉरियर की तरह खड़ा है। इसके कंधे, इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई देखो। Oh, look at him. और उसकी तरफ जब उसे देखता है, he said, this must be the God's chosen. और वो कहता, अच्छा लगता खुदा ने इसी को ही चुना है। God said, no, Samuel. खुदा कहते शैमुएल नहीं। You look at person from outside. तू इंसान को बाहर से देखता है। I look into their heart. मैं उनके दिल को देखता हूँ। He is not the one. ये नहीं है। Then second came, he thought maybe this is the one. दूसरा बेटा आता है, शैमुएल सोचता है ये ही होगा। No, Samuel, you're wrong again. This is also not the one. खुदा कहते नहीं शैमुएल, तू फिर गलत है, ये नहीं है। Maybe now the third one came. अब तीसरा जब आ रहा है। I'm just making it, just help you to understand. मैं सिर्फ आपको एक तौर पे सिखाने के लिए बना रहा हूँ। You know, maybe third one, oh, maybe I should speak more. Hallelujah, 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 hallelujah. और तीसरा जब जाता है वो सोच रहा होगा कि मैं अगर ऐसे बोलूंगा हालेलुया 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 ज्यादा, maybe I'll be chosen. और हो सकता है मुझे चुन ले। God said, no, this is not the one. खुदा कहते नहीं ये भी नहीं है। Maybe fourth one, all white clothes, nicely, all the religious, everything, you know, in white, 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 holy, and he went. और चौथा आके पूरे कपड़े सफेद और सब कुछ जितना सफेद कर सकता था वो करके आ गया था है। God will say, hey, no, he is not the one. खुदा ने कहा ये भी नहीं है। Not the fifth one. अब पांचवा आ रहा है। Not the sixth one. और छठवां भी नहीं है। Neither the other one. अरे सातवां भी नहीं है। There is someone else. अरे लेकिन एक है। Out in the fields. वो कई खेतों में होगा। Taking care of the sheep. और अब अपने जानवरों की शीप की टेक केयर कर रहा है। He is a worshipper. और वो है मेरी परस्तिश करने वाला। Call him. He is the one who is going to be the king of Israel. उसको बुला क्योंकि वो इज़राइल का दूसरा राजा होगा। Amen. Amen. God was looking for man of spirit. खुदा रूह के इंसान को ढूंढ रहे थे। David was in love with God. और जो दाऊद था वो खुदा के साथ मोहब्बत में था। He was in love with God. वो खुदा के साथ मोहब्बत में था। And he was the chosen one. और उसको खुदा ने चुना था। Rejected in the family. उसको उसके खानदान ने रिजेक्ट किया। His father even didn't bother to call him. और उसके बाप ने भी सोचा क्या इसको बुलाएं। But he, God looked at David's heart. God knew this is the man whose heart is after my own heart. और खुदा ने दाऊद के दिल को देखा और कहा ये है जिसका दिल मेरे साथ जुड़ा है। He will do my will. और वो मेरी मर्जी पूरी करेगा। Many people pray, your will be done. बहुत से लोग दुआ करते हैं खुदा आपकी मर्जी हो। Oh, Father in heaven, hallowed be your name. You know, we pray that prayer, but we don't give our will to God. और हम कहते हैं हमारे बाप जो तू आसमान में, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी है, लेकिन हम वो करते नहीं है। They don't give their will to God. लेकिन वो अपनी मर्जी को खुदा के हाथ में देते नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी अपने हाथ में पकड़ी है। I will decide if I have to go to church or not. और मैं डिसाइड करूंगा मुझे कलीसिया जाना कि नहीं जाना। फुटबॉल मैच, I'll be there 1 hour before because so much crowd. और अगर फुटबॉल मैच है मैं 1 घंटे पहले मेक श्योर करूंगा पहुंच जाऊंगा, बहुत भीड़ होगी। Wait for worship to end. और मैं सॉरी I will wait for worship to end. और मैं इंतजार कर रहा हूँ कब ये worship बंद करेंगे। In the church where we used to go in the beginning. याद रख जहाँ हम church था पहला जाते थे। They had big loudspeakers. उनके बड़े-बड़े loudspeaker थे। And there were some Christians in that local area. और उस जगह में कुछ Christians भी थे local area में। You know, after a few months after going there, I realized that some of these people wait for the last song to come to an end. और उस जगह में कुछ मसीही लोग थे और वो इंतजार करते थे जब परस्तिश का आखिरी song खत्म होगा तब जाएंगे। And after when the offering is done. और जैसे ही offering होगी, and after when pastor had prayed over the offering, और वो सुन लेते थे कि pastor ने offering के लिए भी prayer कर दी है, suddenly they will appear. एकदम से फिर वो आ जाते थे। I said, come on, they were not here 2 minutes back. मैं देखता था 2 मिनट पहले यहाँ नहीं थे। They all already in the house. और वो अपने घरों में तैयार हो रहे थे। You know, these people, they don't love God. ये ऐसे लोग हैं जो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। They don't love the presence of God. और ना वो खुदा की हुजूरी से प्यार करते हैं। This is slavery. ये एक गुलामी है। But when the anointing of Holy Spirit is upon you. लेकिन अगर खुदा का मसा आपके ऊपर है। God will break people loose them from all the slavery of the enemy. और वो मसा लोगों को
worshippers will worship God with all their heart, with all their strength, with all their mind. और वो सच्चे परस्तिशकार बन जाते हैं जो खुदा की परस्तिश आत्मा से सच्चाई से और अपने दिल से करते हैं. Amen. Amen. The anointing will break every yoke. जो मसा है वो हर एक जुए को तोड़ देता है. The anointing will protect you. और मसा आपको संभालता है. God said, "Do not touch my anointed ones." खुदा ने कहा मेरे जो अभिषिक्त हैं, anointed हैं, उनको छूना मत. I'm not talking about ordained ones. He's talking about anointed ones. मैं उनके बारे में नहीं कह रहा जिनको ordination किया गया, लेकिन उनके बारे में जिनको anointed हैं. Because many people can be ordained, but only if there is no anointing, there is no protection. बहुत से लोगों का ordination होता है, लेकिन अगर कोई anointed नहीं है, वहाँ पर protection नहीं है. Anointing is must. मसा बहुत जरूरी है. No ministry without anointing of Holy Spirit. खुदा की सेवा हम रूह के मसा के बिना नहीं कर सकते. The ministry will not be effective without that anointing. और उस मसा के बिना जो हमारी सेवा है वो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगी. People cannot be delivered without that anointing. उस मसा के बिना लोगों को डिलीवरेंस नहीं मिलेगा. Sometimes without deliverance people will not even understand word of God. और कई बार जब तक लोगों को छुटकारा नहीं मिलता वो खुदा के कलाम को भी नहीं समझ पाते. They are bound in one paid place and they become worldly. और वो कुछ जगहों में बंधन में होते हैं और वो दुनियावी बनते जाते हैं. Oh, they said this about me. They are thinking this about us. They are saying that, you know, they are so thinking, occupied with the things of the world. और वो दुनिया की चीजों से इतने भर जाते हैं, दिन भर यही सोचते रहते हैं, ये मेरे साथ उसने वैसा किया, वो मेरे बारे में ये कहता है. I have only 2 gold rings. Other woman have 4 gold rings. She has 5 gold. All the time occupied with the things of the world. और सोचते हैं मेरे पास सिर्फ 2 ही gold ring है, उसके पास 4 gold rings है, उसके पास 5 gold rings है. You know, it's good to have gold. Nothing wrong in that. Gold होना अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है. Because your father says silver is mine, gold is mine. Nothing wrong. क्योंकि हमारा बाप कहता है कि सोना चांदी मेरे हैं. But people of spirit always long for things of the spirit. लेकिन जो रूह से चलते हैं वो हमेशा खुदा की रूह की बातों की ओर ध्यान देते हैं. Gold or no gold, car or no car, house or no house, they love the presence of God. सोना है नहीं है, घर है नहीं है, चांद और कार है नहीं है, लेकिन वो खुदा की हुजूरी से प्यार करते हैं. These people say, even if I lose the whole world, better it be, let my life be saved. और वो कहते चाहे सारी दुनिया मुझे गवानी पड़े, ले हो जाए ऐसा ही, लेकिन मेरी जिंदगी में अपना आप तो बचा लूं. You know, some people don't even know how to deny a couple of the invitations they get, and they don't deny the presence of God. और anointing makes your cup to overflow. और जो मसा है वो आपके कप को ओवरफ्लो करता है. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. Where did I get this KJV from? My cup runneth over. और लिखा है यहाँ पर, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है और मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ता है. My cup overflows. मेरा कटोरा ओवरफ्लो करता है. You should be so filled of the Holy Spirit. You should always overflow. और जब खुदा के रूह से आप भर जाते हैं, आप हमेशा ओवरफ्लो करते हो. So how do we? What it means to overflow? क्या मतलब है उमड़ने के बारे में? You know, one thing is okay. Praise the Lord. एक कोई कहेगा praise the Lord. And all the church say yeah, praise the Lord. और सब अब कह रहे हैं हाँ जी, खुदा की स्ताइश praise हो. You know, but when you are overflowing. लेकिन जब आप overflow कर रहे हो. Even while in your car you are thanking him. और जब आप अपनी गाड़ी में भी बैठे हो वहाँ पर भी शुक्रिया कर रहे हो. Even in your kitchen making chapatis you are thanking him. और जब आप रोटी बना रहे हो किचन में तब भी शुक्रिया कर रहे हो. When you are overflowing. जब आप overflow करते हो. Even if you are not in the house of God. अगर आप खुदा के घर में नहीं भी हो. You are singing songs of God. आप खुदा के आराधना के गीतों को गा रहे हो. Amen. Amen. Some people even don't know how to sing in the house of God. बहुत लोगों को खुदा के घर में गा नहीं आता कैसे गाना है. You know, I've seen people, you know, I'm not talking about you, but some places I've seen people, they're just standing. और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ जगहों में देखता हूँ लोग सिर्फ खड़े हुए हैं. God has given you mouth to praise Him. अरे खुदा ने आपको मुंह दिया है ताकि खोल के उसकी प्रेज करो. That's what Bible says. और यही तो कलाम कहता है. Open your mouth and praise the Lord. अपना मुंह खोलो और खुदा को प्रेज करो. He has given us this mouth so that we can praise Him. और मुंह इसलिए दिया है ताकि खोल के उनको प्रेज करें. But because people can't do it, they're not overflowing. और लोगों के अंदर ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं इसलिए वो नहीं कर पाते. I'm not saying they are bad people. मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे लोग हैं. Please don't misunderstand me. मुझे misunderstand मत करें. I'm not judging anyone. और ना ही मैं किसी को दोष लगा रहा हूँ. I'm just saying they're not overflowing. मैं ये कह रहा हूँ कि वो ओवरफ्लो नहीं हो
are not coming out from their mouth. इसीलिए मुंह से कोई गीत नहीं निकल रहा. Someone has to push them. Please sing, please sing. और लोग कुछ को कहना पड़ता है कि गाओ, please गाओ. Please, please, please. Otherwise, I'm not going to come back again. अरे गाले, 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 वरना वापस नहीं आएंगे. So, because it's not overflowing. क्योंकि कब overflow नहीं हो रहा. When you're living in overflow. जब आप अब उस overflow में जीते हैं. You will always talk the word of God. आप हमेशा खुदा के कलाम की बात करोगे. Word of God will be on your lips. और आपकी जुबान में भी खुदा का कलाम Even होगा. While your children are sitting, walking, running, you are always in the word of God. और जब आपके बच्चे बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आप उनसे कलाम की बातें बोलोगे. Because we are overflowing. क्योंकि आपके अंदर वो उमड़ रहा है ना. Amen. Amen. That is the heart of God. और यही खुदा का दिल है. And then you will not love the worldly songs. और फिर आपको दुनिया के गीत पसंद नहीं होंगे. You will not love those तुनक तुनक तू बाबा. You will not love those songs. और आपको वो जो तुनक तुनक तुन सॉन्ग होते हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे. Those songs will not please you. और वो जो सॉन्ग्स हैं वो आपको खुश नहीं करेंगे. Because you are in fellowship with Jesus. क्योंकि आप अब यीशु के साथ इतने जुड़ गए हो. Those songs will not give you any joy. वो जो सॉन्ग्स हैं आपके अंदर कोई जॉय नहीं भरेंगे. You will say, my joy is the anointing of Holy Spirit. That is the oil of gladness over my life. और आप कहेंगे मेरा जॉय तो है जो पाक रूह का जो मसा है और मेरे अंदर से खुदा का ग्लैडनेस बह रहा है. Amen. Amen. You will always love the songs of God. और आप खुदा के songs को हमेशा प्यार करेंगे. It's very easy to recognize someone is overflowing in the Holy Spirit or not. और बड़े आसानी से हम जो देख सकते हैं कौन Spirit of God में overflow कर रहा है कोई नहीं. What songs they are playing in their car. उससे पता चलता है वो अपने गाड़ी में कौन से गाने लगाते हैं. You know, test them, send them to a marriage. उनको टेस्ट करने के लिए आप उनको मैरिज में भेजें. And also call them to Sunday service. और फिर अब आप उनको संडे कलीसिया में बुला लें. And see what excites them more. और फिर देखें क्या चीज इनको ज्यादा एक्साइट करती है, एक्साइटमेंट लाती है. You can test people very easily. आप लोगों को बड़ी इजीली टेस्ट कर सकते हैं. Or send them for some football game and call them in the house of God. और या तो उनको फुटबॉल गेम देखने के लिए भेज दें और उसके बाद फिर कलीसिया बुला लें. There should be joy in the house of God. और खुदा के घर में तो जॉय होना चाहिए. इसलिए जब कलीसिया में नए लोग आते हैं वो विश्वासियों की ओर देखते हैं, यार ये तो हमसे ज्यादा दुखी है, क्या हम यहाँ आए. They look more sad than me. ये तो मेरे से ज्यादा दुखी. Why they are all sitting so depressed? ये क्यों इतने दुख भरे चेहरों के साथ बैठे हैं? Hallelujah, there is no praise the Lord, there is no thank you Jesus, nothing at all. ना वहाँ पे ताली बजा रहे, ना खुदा का शुक्रिया कर रहे, कोई ऊंची आवाज नहीं है, क्यों इतने दुखी हैं? Imagine, like I shared, Dr. Boaz's father had a birthday yesterday. मैंने जैसे बताया कि Dr. Boaz के फादर का बर्थडे सेलिब्रेट किया कल. Yeah, he looks so young, he turned 90 yesterday. वो बड़े जवान दिखते हैं, 90 साल के हो गए हैं. No, I'm just joking. So, you know, and imagine all the families there. और सोच के देखिए सारा उनका खानदान एक जगह में है. Everyone sad. और सब ने अपने चेहरे लटकाए हुए हैं. He'll say, what happened? और वो पूछेंगे क्या हुआ? You come for my birthday, not for my funeral service. Yeah, तुम मेरे जन्मदिन पे आए हो कि मेरे मौत के दिन पे आए हो? Some people are in the presence of God, they are so sad. और कुछ लोग खुदा के हुजूर में इतने दुखी हैं? Imagine how God will be feeling like, oh, I feel so rejected. और खुदा कहेंगे कितना दुख है, मैं तो ऐसा लग रहा है मुझे ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं. God says there is joy in the presence of God. मेरा कलाम तो कहता है खुदा की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है. But these people are checking their watch every time when the time will pass by. लेकिन ये लोग तो अपनी घड़ी देखते रह रहे हैं, कब ये टाइम बीतेगा? In football they don't watch. Let game be extended. More 2 hours more, it's okay. Football के बीच में कोई टाइम नहीं देखते, कहते और बढ़ जाए टाइम. Marriages, even if they have to stay till midnight, they are fine with that. और अगर शादियों में आधी रात तक भी रुकना पड़े वो भी कोई समस्या नहीं है. But in the house of God, watch comes. लेकिन खुदा के घर में ये घड़ी आ जाती है. Church is starting, then they don't look at their watch. और जब चर्च शुरू हो रहा है ये नहीं देखते कितने बजे शुरू हुआ. It's only when they enter now in the church 5 minutes, then they keep looking at the watch. और अभी चर्च में 5 मिनट आए हुए हैं, एकदम अपनी घड़ी देखेंगे. You know, I think better look at the watch in the morning when we go to the house of God. और सुबह ही अपनी घड़ियों को देख लें जब आप खुदा के घर में आ रहे इससे पहले. We better be there on time and start honoring God. और आप टाइम पे पहुंचे और खुदा को हम ऑनर करें. Hallelujah. 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 Hallelujah.
He wants your cup to overflow. वो चाहते हैं आपका प्याला उमड़ता रहे. And when you flow in this, और जब आप इसमें बहते हैं, you will overflow in every blessing of God in your life. आप अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में खुदा की बरकत को ब्लेसिंग को फ्लो करते हुए देखेंगे. Prosper even as your soul prosper. और पौलुस कहता है, जैसे तुम्हारा सोल प्रॉस्पर होता है, तुम भी प्रॉस्पर होते जाओ. In every area of your life, there is prosperity if your soul prospers. अगर आपका सोल प्रॉस्पर है, आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में प्रॉस्पेरिटी देखोगे. Amen. 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 So say, I want to overflow. और कहे मैं overflow करना चाहता हूँ. Amen. Amen. So may you overflow in the things of God. और आप खुदा की बातों में overflow करें. Another thing, anointing. What will anointing do? खुदा का मसा क्या करता है? हम एक और बात देखेंगे. Acts chapter 4 verse 31. Acts chapter 4 verse 31 में देखेंगे. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. और जब वो दुआ कर चुके थे, वो जगह जहाँ पर वो इकट्ठे थे, वो हिल गई और पाकरू से वो भर गए और खुदावंद का कलाम बड़ी दलेरी से सुनाते रहे. You know those days whenever they'll pray, the place was shaken. जहाँ उन समय में जहाँ पर भी वो दुआ करते थे, वो जगह हिल जाती थी. Why people today don't have time to pray? लोगों के पास दुआ के लिए time नहीं है. Because today, you know, we don't have time to come and pray in the house of God. और ना ही हमारे पास time है कि हम घर खुदा के घर में आके दुआ करें. Because we are so occupied with our own dreams. क्योंकि हम अपने ही dreams के साथ इतने भर गए हैं. That we don't have time to come to the house of God even for the prayer meeting. हमारे पास दुआ के लिए भी आने का time नहीं है. Because we have occupied ourselves so many things. क्योंकि हम already कई चीजों से भरे हुए हैं. I want to tell you. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. खाली हाथ आए हैं. Empty hand we came. खाली हाथ जाएंगे नहीं. An empty hand we go. No. खाली हाथ जाएंगे नहीं. We will not go empty-handed. Your works will go before you. आपके काम आपके आगे आगे जाएंगे. Lord is going to reward you. और खुदा आपको इनाम देगा उसके लिए. Paul knew that he will go empty-handed, but he knew not empty-handed. He said there is a reward waiting for me. Paul को पता था खाली हाथ जाना, लेकिन उसे ये पता था कि वहाँ पर एक reward है, मेरे काम जाएंगे और reward मिलेगा. So I think our statement should change. खाली हाथ आए हैं, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं, खुदा के कामों को अपने साथ लेकर जाएंगे. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. So let your cup overflow. आपका प्याला उमड़ने दो. In the end, I want to say. और आखिर में मैं एक बात कहूँगा. The great boldness came. उनके ऊपर बड़ा ताकत आ गई, boldness आ गई. हियाब आ गया. हियाब आ गया. उर्दू में क्या कहते हैं boldness? Boldness को. दलेरी आ गई. बहुत दलेरी आ गई. बहुत दलेरी. They were full with boldness. You know, because the anointing came over them. क्योंकि उनके ऊपर मसा उतर गया था. This was fresh anointing. ये एक fresh anointing थी. They were anointed before. Already उनको मसा किए हुए थे. In Acts chapter 2. Acts 2 में हम पढ़ते हैं. And again in Acts chapter 4, again more anointing. और Acts 4 में हम देखते हैं और मसा उतरा. That means person can keep increasing in anointing of God. इसका मतलब है एक इंसान खुदा के उस मसा में बढ़ सकता है. If you are faithful in little, God will give you more. He will add more, and He will keep adding more. और अगर आप छोटी चीज में वफादार हैं, खुदा उसमें जोड़ते जाएंगे, उसमें बढ़ोतरी करते जाएंगे. That means grace upon grace. इसका मतलब है फजल पे फजल हमें मिलता है. Ability of divine, ability of God to do greater things than before. और ये खुदा की divine काबिलियत है ताकि हम खुदा के लिए बड़े कामों को करने पाएं. So great boldness came over apostles. उनके ऊपर बड़ी दलेरी आ गई. That's why Paul said, I am not ashamed of the gospel. पौलुस कहता है मैं खुदा के सुसमाचार को सुनाने से नहीं घबराता. Even in the midst of persecution, every believer was preaching the gospel. और सताव में भी हर एक believer खुदा की बातों को फैला रहा था. Every believer committed themselves to the Lord. और हर एक ने अपनी लाइफ को कमिट किया खुदा के कामों के लिए. Everyone was committed to give towards the work of God. और हर एक ने कमिट किया जो भी वो दे सकते थे खुदा के कामों में दिया. Nothing wrong in making properties, nothing wrong in that. कोई बुराई नहीं है हम जितनी properties अपने लिए बना लें. Nothing wrong in that. इसमें कोई बुराई नहीं है. But those people were different. लेकिन वो लोग बिल्कुल अलग थे. They were selling their properties. वो तो अपनी properties बेच रहे थे. Yeah, Acts chapter 2, read that. अरे एक्ट्स में पढ़ के देखें चैप्टर 2 में. Even later on Acts chapter 5 you see again. और फिर 5वें चैप्टर में हम दोबारा देखते हैं. We are making properties, they were selling properties. हम प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे. We are making properties, they were selling properties. हम अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो उन्होंने बेच दी थी. Because they
understood the sacrifice that Jesus had made. क्योंकि उनको समझ थी इस बात की जो कुर्बानी यीशु मसीह ने दी थी. And their heart was gospel must be preached. और उनके दिल में ये था ये जो खुशखबरी है ये सबको सुनानी है. Every last blood drop of Jesus' blood was precious blood who is ready to wash everyone on this earth. और यीशु का एक एक कतरा आखिरी बूंद तक भी इतनी कीमती है और वो हमारे सब गुनाहों को धोता है. People were so committed for the work of God. They were selling everything and bringing it to apostles. वो इतने committed थे उन्होंने सब बेच के प्रेरितों के कदमों में लाके सब रख दिया. Here we see a real revival. यहाँ पर हम एक सच्चा बदलाव देखते हैं. People were so bold. They were not afraid of their future. और ना ही वो अपने फ्यूचर को लेके डर में बैठे थे. They knew that God will take care of us. उनको पता था खुदा उनको संभालेगा. They were such, they became people of faith. और वो पूरे विश्वास के ईमान वाले लोग बन गए. They took every decision boldly. और उन्होंने हर एक डिसीजन बड़े ही हियाव से लिया. They preached boldly. उन्होंने प्रचार बड़े ही हियाव से किया. They preached in the middle of the enemy. और वो दुश्मन के बीच में जाके बोलते थे. They preached in the middle of persecution. और वो सताव के बीच में प्रचार करते हैं. Jesus said, "We'll find it." लेकिन यीशु ने कहा, जो मेरे लिए अपनी जिंदगी को गवाता है, वो उसे पालेगा. Anointing came, boldness came in their life. और इस मसा के कारण उनके ऊपर बड़ा हियाव और ताकत आई. They were joyfully willing to lose their life for Christ's sake. और वो खुशी के साथ अपनी जिंदगी को यीशु के लिए देने के लिए भी तैयार थे. Even while some of them were on the cross. कई तो क्रॉस पे लटके थे. Even upside down. और उल्टा करके लटकाए गए. Even then they were preaching the gospel. तब भी वो यीशु के बारे में लोगों को बताते गए. Because their cup was overflowing. ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनका प्याला उमड़ रहा था. When your cup overflows. जब आपका प्याला उमड़ता है. Persecution or no persecution, no one will be able to stop you. चाहे सताव है नहीं है कोई भी आपको रोक नहीं सकता. Pain or no pain, no one will be able to stop you. दर्द है दर्द नहीं है कोई चीज आपको रोक नहीं सकती. Fever or no fever, you will be still be preaching. और चाहे आपको बुखार है नहीं है आप खुदा के कलाम को बताएंगे. You know, I don't understand one thing. मैं एक बात नहीं समझ पाता. Because when I came to the Lord, क्योंकि जब मैंने खुदा को अपनी जिंदगी दी, I heard call the sick people to the church. मैंने सुना कि जो बीमार हैं वो लोगों को खुदा के घर में ले आए. Fever, cough, stomach pain, other things. और जो भी कुछ उनको फिजिकल प्रॉब्लम है उसके कारण चर्च में लाए. But after some time, I saw in some places. लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने कुछ जगहों पे देखा. People don't come to the church because they are sick. और लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बीमार हो गए हैं. I said no, but we were asked to call the sick. लेकिन हमें तो कहा. People are saying they're not coming, but the people once they get saved after a few years, they say no, we are sick, we can't come. और कुछ लोग जो बचाए जाते हैं कुछ टाइम के बाद कहते हैं हम बीमार हैं हम नहीं आ सकते. Because we don't believe in the presence of God. क्योंकि हमें खुदा की हुजूरी पे ईमान नहीं है. Sometimes I have been vomiting and throwing very badly for days. और कई बार मुझे इतनी उल्टी होती है और कई बार इतना फीवर होता है कई दिनों तक. And somehow I'll get to the house of God. और मैं बड़ी मुश्किल से खुदा के घर में पहुंचता हूं. Hold the mic. और जब मैं माइक पकड़ता हूं, suddenly all the sickness left me. और एकदम से सारी बीमारी छोड़ के चली जाती है. This has not happened one time, many times. और सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है. Even when I'm not well, I tell my wife, I said, you know, when I'll stand, everything will be okay. और जब मैं बीमार भी होता हूँ, मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ, तुझे पता है कि मैं जब से जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा. Amen. Because Amen. I believe in the presence of God. क्योंकि मुझे खुदा की हुजूरी पे ईमान है. If you are sick. अगर आप बीमार हैं. If you have a fever. अगर आपको बुखार है. If you have stomach pain. अगर पेट दर्द हो रहा है. Please come to the house of God and worship Him. You shall be healed. खुदा के घर में आए और खुदा की परस्तिश करें, आप surely heal हो जाएंगे. This is such a hypocrisy. और ये तो बड़ी ही कपटीपन है. We say Jesus heals. हम कहते हैं एक तरफ यीशु चंगा करता है. But now we are not well. We don't want to go to the house of God. और जब अब हम बीमार हैं, हम कहते हैं घर में ठीक है बैठना. What hypocrisy is this? ये कैसी hypocrisy है? We are not those kind of people. हम उन तरी लोगों की, हम उन जैसे नहीं है. We believe in the presence of God. हम खुदा की हुजूरी में ईमान रखते When हैं. When we go in the presence of God, we go with expectation. जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, हम बड़ी expectation के साथ आते हैं. We know when we'll worship Him and listen to His word, we shall be healed. हमें बताएं जब हम दुआ करेंगे और उनके कलाम को सुनेंगे, परस्तिश करेंगे, हम चंगाई पालेंगे. Amen. Amen. Can you say aloud, Amen? Your neighbor and say amen. क्या अपने पड़ोसी को छुए कहे आमीन. This should be your mind setup from today onwards. और आज से होने दे ये आपका mind setup हो जाए. You have pain in your stomach, it must to come to the house of God. पेट में दर्द
Amen. And if someone else is coughing, और अगर किसी को खांसी हो रही है, please do not be afraid. डर के मत बैठे रहे. You are in the presence of your heavenly Father. आप अपने स्वर्गीय बाप की प्रेजेंस में हो. I have seen some places someone corner coughing and people, oh, who is coughing? Who is coughing? मैंने देखा किसी ने खांसी भी कर ली, लोग सब देखते कौन खांसा कौन खांसा. Yeah, if you are in the world, yeah, you it's okay to be afraid, but even there, don't be afraid. हाँ, वहाँ पर अगर दुनिया में कोई खांसता है, डर जाए, लेकिन वहाँ भी डरने की जरूरत नहीं है. But imagine people afraid in the house of God. सोच के देखे खुदा के घर में लोग डर के बैठे हुए हैं. Where is our faith? हमारा ईमान कहाँ गया? Jesus said, when the Son of Man comes, will he find faith on this in this earth? यीशु ने कहा, जब खुदा का बेटा आएगा, क्या उसे इस दुनिया में धरती के ऊपर ईमान मिलेगा? This is how we show our faith to God. और ऐसी चीजों से हम अपने ईमान को खुदा में जताते हैं. I am here, even I or everyone in the church is, but Lord, thank you, I am in your presence. चाहे चर्च में सब लोग करते जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मैं खुदा आपकी हुजूरी में हूँ. Righteous are bold as lion, Bible says. और जो रास्तबाज है वो शेर की तरह बोल्ड होते हैं. Even sinner, when no one pursues, still is afraid. और कलाम में लिखा है, जो गुनाहगार है उसे पीछे कोई नहीं लगा, वो फिर भी भागेगा. बिल्ली निकल जाएगी, डर जाएंगे, कोई छींक मारेगा, डर जाएंगे, कोई पीछे से आवाज देगा, डर जाएंगे, कोई डराकर चला जाएगा, कोई इधर उधर से, अगर तुम्हारे घर बड़े बड़े भूत रहते हैं तो भी डर जाएंगे. But righteous are bold as lions. लेकिन जो righteous हैं वो lions की तरह bold हैं. Amen. Amen. Righteous are anointed by God. जो righteous हैं उनको खुदा ने मसा किया है. The apostles of Jesus, the first century church was bold as lions. और जो पहली century church थी, जो खुदा के apostles थे, वो bold थे शेरों की तरह. And last thing. आखरी बात. First John chapter 2 verse 27. First John chapter 2 की 27 verse. But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you, but as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him. No need to read. Bible says anointing teaches us. Kalam kehta hai, maza hame sikhata hai. So to understand the Bible, खुदा के कलाम को समझने के लिए, I'm not saying understanding from above. मैं ये नहीं सोच कह रहा ऊपर से पता करने के लिए. No, I'm talking about the nutrition, going inside, digging in what's in the like what nutrition apple has. ये ऐसे है जैसे हम गहराई में जाएं और उसको डिग करें डीप, और ये जाने कि इस एप्पल में क्या न्यूट्रिशन है. What will I get if I eat apple? और जब मैं इस सेब को खाऊंगा मेरे अंदर मुझे क्या मिलेगा? Protein, what will I get? और अगर मुझे इसमें से क्या मिलेगा जब मैं प्रोटीन खाऊंगा? You know, so you have to understand that you know anointing teaches you. समझे, जो मसा है वो सिखाता है. Maybe I'm talking with you one thing. मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ. If you are anointed person, you will be hearing 10 different things right now. और अगर आप मसा किए हुए मैं